तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटो ब्लॉग। आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। आज हम बताएंगे मोटो ब्लॉगिंग कैसे कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग कैसे ग्रो कर सकते हैं, मोटो ब्लॉगिंग में क्या क्या बाइक की ज़रूरत पड़ेगी और मोटो ब्लॉगिंग में क्या क्या सेटअप होना चाहिए। जैसा कि हमारे पास अभी सेटअप है GoPro का और हेलमेट, और अगर जिसके पास GoPro नहीं हो तो वो क्या कर सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिलते हैं अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, तो वहीं आपको जानकारी देंगे। तो गाइस, अभी आ चुके हैं हम अपने मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे। सुबह सुबह का बहुत बेहतरीन नज़ारा आपको भी देखने को मिला। आज सुबह सुबह ही मूड बन गया एक छोटी सी राइड करने का, और जिसमें कि थोड़ी सी सोचा कि जानकारी दी जाए कि काफ़ी बंदे हैं। एक्चुअली हम जो रोडों पर चलते हैं, यह बंदे मिलते हैं, यार ये मोटो ब्लॉगिंग कैसे करी जाती है, यार ब्लॉगिंग कैसे करी जाती है, और बहुत बंदों के कमेंट आते हैं कि मोटो ब्लॉगिंग। हालांकि भैया मोटो ब्लॉगिंग आसान नहीं है, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। हर कोई जीरो से स्टार्ट करता है, आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले क्या है कि मोटो ब्लॉगिंग का सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन बंदों के ये रहते हैं कि सर मोटो ब्लॉगिंग तो हम कर ले, लेकिन हमारे पास बाइक नहीं है। बाइक का तो ये है कि मोटो ब्लॉगिंग करने को तो आप हर किसी बाइक पे कर सकते हो, कोई भी बाइक ले लो जो कि आप मोटो ब्लॉगिंग उससे कर सकते हो। काफ़ी बंदे हैं स्प्लेंडर से कर रहे हैं, काफ़ी बंदे हैं स्कूटी से कर रहे हैं, तो बाइक का तो कोई इशू नहीं है कि आप मोटो ब्लॉगिंग में आपको बाइक की दिक्कत पड़ेगी। तो मैं अपना बता दूं आपको, मैं सबसे पहले मैंने अपाची से स्टार्ट किया था, और अपाची ने मेरी बहुत दिक्कत दी है, मेरे को कई कई राइड पे धोखा दिया है। लेकिन उसके बाद मैंने एवेंजर ले ली, ये एवेंजर है 150 cc। हालांकि इससे सोचता था मैं, कह यार 150 cc से क्या होगा, कहने को तो कह देते हैं लोग बाग स्प्लेंडर से भी होगा, लेकिन 150 cc से क्या होगा मगर। लेकिन भाई इससे मैंने नॉन स्टॉप नेपाल की राइड की है, 1200 किलोमीटर मैंने इसको लगातार खेसा, 24 घंटे मेरे को लगे जाने में रुकते रुकाते, लेकिन मैंने स्टे नहीं किया। तो मैंने इसको एवेंजर को 24 घंटे चलाया है, तो 24 घंटे चलाने में ये देखो कि एकदम अच्छी परफॉर्मेंस दी इसने। और उस दिन से ही मेरे दिमाग में बैठ गई कि भाई गाड़ी इम्पोर्टेंट नहीं है, गाड़ी कोई भी गाड़ी चलेगी, इम्पोर्टेंट है कि वो गाड़ी अच्छी कंडीशन में हो। अभी आप बड़ी बड़ी गाड़ी भी ले लो, बुलेट ले लो या वो ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, और वो उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसको कहना अंदरूनी बीमारी है, तो अंदरूनी बीमारी में भाई वो नहीं चल पाएगी। गाड़ी एकदम चलने में ओके होनी चाहिए, पहली बात। बाइक का तो ये हो गया। फिर आप कैमरा देखो, आज के डेट में कंपटीशन बहुत है, तो मैं आपको बोलूं कि आप बिना कैमरे के भी स्टार्ट कर दो, फ़ोन से स्टार्ट कर दो। हालांकि फ़ोन से होता है, लेकिन हमने भी किया है फ़ोन से, हमने एक दो राइड भी फ़ोन से की है, लेकिन आज के ज़माने के देख के हिसाब से मतलब हर की चीज़ मॉडर्न चाहते हैं, तो कंपटीशन का ज़माना है, तो थोड़ा सा अगर आप बजट बना के खर्चा कर सकते हो तो एक GoPro खर्च कर लो। GoPro आप 9 ले लो, नया मॉडल मतलब पुराना मॉडल ही ले लो, GoPro 9 बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। और नहीं हो सकता तो आप, अगर आपका इतना भी बजट नहीं है तो आप सीधा उससे ही ले सकते हैं के। तो भाई मोबाइल के लिए मोबाइल भी कर सकते हो। मोबाइल का सिस्टम क्या है कि मोबाइल के लिए आपको एक होल्डर लगेगा, मोबाइल होल्डर, और एक लगेगा जो अपना हेलमेट पे स्टैंड लगता है, मैं आपको दिखा दूँगा, तो वो लेके आप हेलमेट पे लगा सकते हैं और मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। थोड़ी दिक्कत आएगी उससे, लेकिन वो मैनेज कर लेना, जब कम बजट में थोड़ी परेशानी तो झेलनी पड़ती है। हमने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, हमने भी एकदम नहीं लिया था। तो ये हो गया, ये हो, और देखो राइडिंग गेयर ज़रूरी है, लेकिन शुरू शुरू में आप वैसे भी कर सकते हो, अपना हिसाब से गाड़ी चलाए, और राइडिंग गेयर की तो बाद में, क्योंकि सभी चीज़ें GoPro और मतलब मोटो ब्लॉगिंग का पूरे सेटअप में जो भी सामान यूज होता है ना भाई,
हाई कॉस्टली बहुत कॉस्टली। इसकी जैकेट भी मतलब अब अगर आप देखोगे तो 6-7 हज़ार रुपये से जैकेटें स्टार्ट होती है, अच्छी जैकेटें। तो वही चीज़ है, ये कॉस्टली है। तो थोड़ा सा पहले अपना जीरो से स्टार्ट करें तो यही है कि कोई भी बाइक ले ले और कोई भी एक ठीक सा 1000-1500 रुपये का हेलमेट ले लिया, मोबाइल होल्डर और स्टैंड लगा के आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही था। तो ग्रो करने के लिए देखो, ग्रो करने के लिए ऐसा तो नुस्खा किसी के पास नहीं है कि कोई यूनिक नुस्खा है किसी के पास, और ना ही कोई यूनिक नुस्खा बता पानेगा क्योंकि हर किसी के पास वो है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इंसान को करनी पड़ेगी। जैसे ही आप मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट करो, आपके सब्सक्राइबर कितने भी हो, वो यूट्यूब का काम है कि आपकी वीडियो को आगे तक दिखाना। लेकिन जैसे स्टार्ट करते हो ना, तो उसके 2-3 महीने के अंदर अंदर ही भाई साहब इतनी वीडियो बनानी है, इतनी वीडियो बनानी है। और कंटेंट एक रखे, कोई भी मोटो ब्लॉगिंग का रखे या कैसे भी रखे तो एक रखे। और मोटो ब्लॉगिंग का आपने रखा है तो राइड बहुत इम्पोर्टेंट है। जल्द से जल्द, ज़्यादा से ज़्यादा राइड उस पर मारी जाए। तो ये हो गया आपका मोटो ब्लॉगिंग कैसे करें, कैसे ग्रो करें और किस बाइक से करें, ये तीनों हो गया। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको किसी ऐसी ही इंटरेस्टेड वीडियो में। तो मिलते हैं, गुड बाय बाय।